हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको मेरे कुछ आर्टवर्क्स हैं वो इस डिस्प्ले बुक में आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो जो ये वाला आर्टवर्क है, मैंने कपिल शर्मा का ड्रॉ किया था, जो कि मुझसे सही से नहीं बन पाया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पेंसिल भी नहीं थी। एक ही ग्रेड की पेंसिल थी, HB। तो उससे जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने ट्राई किया, उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट भी नहीं किया। फिर जो नेक्स्ट है वो मैंने सोनू सूद सर का ट्राई किया था, जो कि कुछ हद तक सही बन गया था उस टाइम पर, कि फिर भी इसमें कुछ कमियाँ रहेगी जैसे लिप्स की और नोज़ की, बट ठीक है। फिर भी बॉडी पूरी सही है, बट फेस में थोड़ी सी कमी रह गई है। जो नेक्स्ट आर्ट वर्क है मैंने श्रद्धा कपूर का ट्राई किया था ट्यूटोरियल देख के यूट्यूब से, जो कि काफ़ी हद तक सही बन गया था, बट फिर भी तब अब देखता हूँ मैं इसको तो काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं इसमें, जैसे लिफ्ट्स में और शेडिंग वगैरह में भी। और उस टाइम पे मेरे पास सीट भी नहीं थी, तो मैंने प्रोजेक्ट फाइल की शीट ली थी और उसी में ट्राई किया था। ये जो नेक्स्ट आर्ट वर्क है यूँ ही रैंडम मैंने बना दिया था, ये मैंने कोई भी यूट्यूब से देख के नहीं बनाई, मैंने खुद बनाई है यूँ ही। फिर इसमें मैंने शेडिंग नहीं की क्योंकि पेंसिल मेरे पास एक थी HB की। नेक्स्ट जो है शाहरुख खान, बट इसमें मैंने शेडिंग नहीं की थी क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ आउटलाइन ट्राई कर रहा था। नेक्स्ट जो है ममता बनर्जी का है, मैंने ट्यूटोरियल देख के ट्राई किया था संकरा आर्ट का, इसमें भी मैंने शेडिंग नहीं की है। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है ये KGF का पोस्टर था, उसकी मैंने ट्राई की थी पेंसिल कलर से, जो मैंने बीच ही में छोड़ दिया था। नेक्स्ट जो है महारानी वेब सीरीज़ आई थी हुमा कुरैशी की, मैंने उसका पोस्टर ट्राई किया था बिना किसी का ट्यूटोरियल देख के ग्रिड लाइंस का यूज़ करके, बट फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई हैं जैसे नोज़ में और शेडिंग पार्ट कुछ। नेक्स्ट जो है ये MS धोनी सर का है, जो कि मैंने आर्टिस्ट शुभम डोकरा का यूट्यूब चैनल पे ट्यूटोरियल देख के ट्राई किया था, जो कि काफ़ी हद तक सही बन गया था, बट इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि चिन और चीक्स वगैरह सही नहीं थे और शेडिंग भी सही से नहीं हुई हो पाई है इसमें। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है वो कियारा आडवाणी का, मैंने कबीर सिंह का जो लुक है वो ट्राई किया था बिना किसी का ट्यूटोरियल देख के खुद ट्राई किया था, बट फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं जैसे लिप्स और आईब्रो आईज। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है वो निधि अग्रवाल का ट्राई किया था मैंने, जो कि संकरा आर्ट ने ट्यूटोरियल डाला था सिर्फ आर्ट आउटलाइन का, तो उनका देख के मैंने बनाया था, बट शेडिंग इसमें खुद की थी। और ये मेरा पहला आर्ट वर्क था जिसमें मैंने 3 पेंसिल्स का यूज़ करके शेडिंग की थी। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है ये सारा अली खान का ही मैंने खुद बनाया था बिना किसी के ट्यूटोरियल देख के रेफरेंस फ़ोटो से, जो कि उस टाइम पे मेरे को काफ़ी खुशी हुई थी ये वाला देख के कि इतना अच्छा बन गया है, बट कुछ कमियां रह गई थी इसमें जैसे आईज़ और शेडिंग वगैरह भी सही नहीं हुई थी। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है टाइगर श्रॉफ का, ये उस टाइम में मेरा फेवरेट आर्ट वर्क था क्योंकि इसमें सनग्लासेस भी सही बने हैं, शेडिंग भी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है द रॉक का डेविड जॉनसन का, ये मैंने खुद ट्राई करा था ये भी बिना किसी का ट्यूटोरियल देख के। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है माय फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान का, ये भी मैंने खुद ट्राई किया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी भी देख ली थी इस आर्ट वर्क की। ये मैंने गुलजार और उनकी वाइफ का स्केच ट्राई किया था क्योंकि जो मेरा वीक पॉइंट था वो फेस में ही था, फेस मुझसे सही नहीं बनता था, तो इनका सिर्फ मैंने फेस ट्राई किया, बाकी शर्ट और वगैरह बन जाती तो ये फिर मैंने बीच में ही छोड़ दिया। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है वो अदा शर्मा का है, यहाँ तक आते आते मेरे को समझ आ गया था कि कैसे स्ट्रोक्स चलाते हैं, कैसे शेडिंग करते हैं, और लगभग 3-4 पेंसिल भी आ गई थी जो मेन चाहिए जैसे कि HB 6B 10B 8B। तो जो इसके हेयर्स थे वो मैंने 10B से ही किए थे, 10B की चारकोल पेंसिल से किए थे, जो कि काफ़ी हद तक लग रही है अदा शर्मा, और उन्होंने मेरी वीडियो पर कॉमेंट भी किया था इंस्टाग्राम पे, पोस्ट पे कमेंट भी किया था, लाइक भी की थी। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है ये भी निधि अग्रवाल का है, फिर ये मैंने खुद ट्राई किया था क्योंकि ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, तो मैंने सोचा कि अब मैं खुद ट्राई करता हूँ, एक बार ट्यूटोरियल देख के बना लिया है मैंने, तो फिर ये काफ़ी हद तक सही बन गया था, मैंने रेफरेंस फ़ोटो से बनाया था बिना किसी का ट्यूटोरियल देख के। नेक्स्ट जो है पेंटिंग है, ये मैंने खुद पहली पेंटिंग है जो मैंने ट्राई की थी,
तो कुछ कुछ ठीक बन गई थी, क्योंकि पेंटिंग मुझे इतनी आती नहीं है, पसंद भी नहीं है पेंटिंग। कहना कि जो चीज़ आती नहीं है तो वो पसंद भी नहीं है। नेक्स्ट जो है मनी हाइस्ट का जो मास्क था वो ट्राई किया था मैंने, मेरे को काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ लगी थी मनी हाइस्ट, तो मैंने ट्राई किया था। और ऊपर जो है मास्क है ये पेंट किया था मैंने, ऐसे कुछ कट करके मैंने पेंट किया था इसके ऊपर रख के, तो काफ़ी सही बन गया था। मैंने लगभग 6 घंटे में कर दिया था कंप्लीट। नेक्स्ट जो है ये हर्षद मेहता का, मैंने ये भी खुद ही बनाया था, ट्यूटोरियल देख के बनाया था, बट शेडिंग मैंने इसमें खुद की थी। नेक्स्ट आर्ट वर्क है आशीष कौर के, है माई फेवरेट सिंगर, तो ये मैंने खुद ही बनाया था, खुद ट्राई किया था और बन गया था ये। उन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट किया था और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट किया था, जो कि काफ़ी खुशी हुई थी मुझे जब उन्होंने कमेंट किया था। नेक्स्ट जो है सुशांत सिंह राजपूत का है, यहाँ से अब कुछ एक दो अच्छे आर्ट वर्क है मेरे, जो कि मैंने काफ़ी टाइम देख के ड्रॉ किए थे, बट कुछ कमियां रह गई हैं इसमें भी, जैसे चेक्स और हेयर सही से नहीं बन पाए थे, बट ये मेरा पहला नेटवर्क था जो सबसे बेस्ट बना था। नेक्स्ट जो ये जेठालाल का, ये भी ये तो अभी तक का मेरा बेस्ट आर्टवर्क है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इसमें लगभग 6 दिन दिए थे इस एक आर्टवर्क को बनाने में, डेली थोड़ा थोड़ा करता था और आखिर में रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, ये सबसे बेस्ट आर्टवर्क है मेरा। और जो ये है ये मेरा लास्ट आर्ट वर्क है, ये 3-4 दिन में बना दिया था मैंने, जो कि मैंने कुछ शेडिंग पार्ट इसका यूट्यूब से देखा था, बाकी सब कुछ मैंने खुद ट्राई किया था। इसकी आउटलाइन भी मैंने खुद की, इसकी शेडिंग भी मैंने खुद की। उस टाइम तक मेरे पास ये पूरा ये पेंसिल का ये मैंने मंगवाया था, इसी से मैंने इसकी शेडिंग की थी, जो कि बहुत अच्छी पेंसिल है, और ये रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। उसके बाद मैंने दो फैमिली में मेंबर्स के ड्राइंग किए थे, जैसे ये मैंने मेरी बहन का किया था, जो कि काफ़ी सही बन गया है, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा शेडिंग में इधर डार्क कर दिया था मैंने। नेक्स्ट जो आर्ट वर्क है ये मैंने मेरे भाई का किया था, जो तो एकदम डिट्टो मैच हो रहा है। तो उसके बाद और कोई आर्ट वर्क अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।